तो आज बहुत बंदर है, देखो बंदरों के बच्चे। सामने देखो राधा जी का मंदिर, यहाँ पर राधा जी टूट जाया करती थी। भाई देखो वेदर कितना प्यारा हो रहा है, बादल देखो। भाई दिल्ली से बाहर निकलने से पहले जो हमें प्रॉब्लम होती है वो देखो यही है। हाय एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे फिर से एक नई वीडियो में। तो गाइज आज बनने वाला है बहुत ही एक शानदार ब्लॉग, जो वीडियो हमारी, क्योंकि हम जा रहे हैं घर से, निकल चुके हैं मथुरा के लिए, कान्हा जी की नगरी के लिए, ठाकुर जी के, मतलब कहाँ कहाँ पे हमें घूमना है आज। तो हम ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमें दूसरे चैनल के लिए कुछ वीडियो शूट करनी है वहाँ पर जा करके। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है, 6:30 हो चुके हैं। गाड़ी में मैंने CNG वगैरह सारी फुल करवा ली है। ये देखो CNG करवा दी मैंने बिल्कुल फुल। अब इतनी CNG में क्या है, हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे आराम से। वहाँ पहुँच कर फिर देखते हैं कि वहाँ पर कोई CNG पंप वगैरह मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज हम पेट्रोल पर ही अपनी गाड़ी हाँकेंगे। तो बोलो ठाकुर नरेश की जय, और मेरे साथ आप भी चलो मथुरा। अभी हमने डिसाइड नहीं किया, मतलब अभी हमने पूरा प्लान नहीं बनाया कहाँ कहाँ जाना है, लेकिन एक दो जगह का तो हमने मैप वगैरह निकाला हुआ है, लोकेशन कहाँ का किया है। तो कई जगह वहाँ पे क्या क्या अभी मतलब अवशेष बाकी है श्री कृष्ण जी के, रसोई वगैरह भी है, घर भी है। अभी मैं मतलब फाइनल नहीं कह सकता मतलब हमें कहाँ कहाँ जाना है, बट हम यहाँ से अभी निकल चुके हैं। तो आप वीडियो पे बने रहिए और इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत ही ज्यादा एंजॉय आने वाला है आपको इस वीडियो पर। तो अभी मैं अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, नरेश जो है अभी आने वाला है, तो उसको बोल दिया। देखो पीछे गाड़ी में क्या क्या रखा हुआ है, पूरा सामान फुल सिस्टम अपना बनाया हुआ हमने। बैग है, बैग के अंदर लैपटॉप वगैरह एडिटिंग के लिए सारा सामान है इसके अंदर। इसके अंदर अपना खाना है जो आज रात तक के लिए रहेगा, पूड़ी है, सब्जी है, अचार है। और देखो ये टावल ले ली अपनी, और ये रख ली अपनी बाल्टी, बाल्टी में लोटा है। बाल्टी वगैरह हमने इसलिए रख लिया है क्योंकि अगर हमें मान लो अदरवाइज धर्मशाला है, होटल वगैरह वहाँ पर नहीं मिलता है, तो हम अपने बाल्टी से ही अरेंजमेंट करके नहाना धोने का प्लान करेंगे इससे, और गाड़ी में ही अपने सोएंगे रात को। नरेश जी आ चुके हैं, क्या क्या लाए भाई, क्या क्या लाए हो? खाने, पानी, बोतल कहाँ है, पानी की बोतल दोनों इसमें, इसके अंदर खाली और भरी दोनों, खाना पीना सब है, एक भरी हुई खाली है। चलो बैठो भाई निकले फिर। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, 7 बजे का टाइम हो चुका है। अभी देखते हैं हमें कितना टाइम लग रहा है। देखो DTC जा रही है दिल्ली की, ये देखो जूम कर दी मैंने आपके लिए दिखाने के लिए। अके चलो निकलते हैं, लेट कर दिया यार तेने बहुत ज्यादा, 15-20 मिनट हो गए बता बैठे खड़े खड़े यहाँ पर। हमारे घर पता है 5:30 बजे खाना वाना सारा रेडी हो गया था। भाई दिल्ली से बाहर निकलने से पहले जो हमें प्रॉब्लम होती है वो देखो यही है, ट्रैफिक देखो कितना है, ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं, चारों तरफ से फुल ट्रैफिक है। अभी हमें यहाँ से निकलने में ये लगा लो 15-20 मिनट लग जाएंगे हाईवे पे पहुंचने के लिए। आज फर्स्ट टोल पे हम आ चुके हैं, थोड़ी सी भीड़ है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी से भी करते हैं। इस टोल का नाम है गोदपुरी फी प्लाजा, 6 लेनिंग ऑफ दिल्ली आगरा सेक्शन ऑफ एनएसा, गोदपुरी प्लाजा, ये हरियाणा में पड़ता है। भाई अपनी गाड़ी जो है बिल्कुल टोल के जो फास्ट टैग होता है उस पर आ चुके हैं, जो टैग ओपन होगा उसके बाद हम सीधे अपनी निकाल देंगे। पहले यहाँ गाड़ी थोड़ी रोकनी पड़ेगी हमें, ये रुक गई, ऐ खुल गया। देखो ये होती है फास्ट टैग की पावर, देख रहे हो पावर ऑफ फास्ट टैग। टोल क्रॉस किया, मुश्किल से 10 किलोमीटर चले होंगे, उसके बाद देखो ट्रैफिक कितना हो गया यार। तो गाइस एक यहाँ पर, तो गाइस देखो अभी हम यहाँ आ चुके हैं पलवल साइड में, तो यहाँ पर CNG पंप दिख गया हमें। तो हम क्या सोच रहे हैं ना, जितनी आ रही है, अरे यार आग आ रही है, खाली खाली बढ़िया भाई बिल्कुल, जितनी भी CNG में आती है उतनी भरवा लेते हैं, उसके बाद आगे नहीं मिली तो दिक्कत रहेगी। तो गाइज अब हम जो है हाईवे से नीचे उतर चुके हैं, अब हम आ गए गोवर्धन वाले रोड पे। यहाँ से मतलब 27 किलोमीटर हो रहा है अप्रोक्सीमेटली, अभी हमें आधा घंटा और लग जाएगा मुश्किल से, क्योंकि सिंगल रोड है। देखो आप यहाँ पर अपना ये गाय वाय चल रही है, बुग्गी वगैरह चल रही है, और आराम आराम से जाएंगे। देखो कितनी तेज आ रहा है सामने बुलेरो वाला जो है, UP 85 मेरे ख्याल से मथुरा या आगरा का नंबर है, UP 85 तो मथुरा का है, सॉरी मथुरा की, यहाँ का जिला जो है डिस्ट्रिक्ट मथुरा लगता है। और साइड में देखो आपको मैं थोड़ा सा अभी उतर के दिखाता हूँ। जो भाई देखो वेदर कितना प्यारा हो रहा है, बादल देखो वाइट बादलों के साथ ब्लू, ये जो व्यू है आपको इसी साइड या फिर अपने सिटी से बाहर ही देखने को मिलेगा। और हमारी गाड़ी में थोड़ा सा पानी कम हो गया था, तो मैंने क्या करा बोतल निकाली, और सामने देखो मंदिर है भगवान जी का, और ये नल, यहाँ से पानी भरा अपने अपने आराम से,
पानी भरने के बाद मैंने अपनी गाड़ी में फिल कर दिया, इसका जो कूलेंट था मेरे ख्याल से ख़त्म हो रहा, तो फिर मैंने यहाँ पे पानी भर दिया उसमें सारा। थोड़ा सा मंदिर वगैरह था और लोग वगैरह खड़े हुए थे तो अच्छा नहीं लगता वहाँ, मतलब दिखाने के लिए थोड़ा अंदर जाना पड़ता है, एक नाला सा था बीच में। जब गाड़ी रोक दी हमने हम बिल्कुल पॉइंट पर पहुँच चुके हैं, उससे पहले हम तो थोड़ा सा नाश्ता वास्ता कर लेते थे, घर से बना के लाए हैं, खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम हो जाएंगे बिल्कुल फ्री खाना खाने, और फिर हम सीधे अपने वीडियो जो शूट करने आए हुए हैं उसको शूट करेंगे, फिर रात को देखते हैं स्टे यहीं करते हैं या निकलते हैं घर के लिए। मोस्टली तो जहाँ तक तो होगा हम यहीं पर स्टे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह हमें कवर करनी है आज। हमने ऑफिस का भी सारा काम खत्म कर दिया अपना, आ जाओ भाई खाना वाना निकालते हैं पीछे से, आ जाओ साइड से। भाई अपनी गाड़ी होती है ना तो अलग ही इंजॉय आता है। देखो भूख लग रही थी, डिग्गी खोली तुम्हारे भाई ने, अपना खाना निकाल दिया और खाना शुरू कर दिया। देखो जी ठाकुर जी की गैया दिखने लगी हमें यहाँ पर। तो आज गोवर्धन में एक मंदिर था गोकुल बिहारी जी का, वहाँ की हमने वीडियो पूरी शूट कर ली है स्टिकर वाले प्ले वो चैनल पर डालने के लिए। अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधे राधाकुंड। राधाकुंड का देखो आपको ये रास्ता है, क्योंकि हम कन्फ्यूज हो गए यार, हमें ना पूरी प्लानिंग के साथ नहीं आए हुए थे कि हमें स्टेप बाय स्टेप कहाँ जाना है। तो सारे जो मंदिर हैं ज़्यादातर गोवर्धन में, सबसे ज़्यादा जो गोवर्धन में मंदिर है सारे गोवर्धन पर्वत की जो परिक्रमा लगाते हैं उस पर हैं, बट हमारे पास इतना टाइम है नहीं जो हम परिक्रमा वगैरह अभी लगा सकें, लेकिन हम सोच रहे हैं कि परिक्रमा लगाने के लिए एक टाइम निकाल के आया जाए यहाँ पर, उसके बाद ही परिक्रमा वगैरह लगाएं। सारे जो मंदिर हैं पर्वत हैं जो गोवर्धन पर्वत हैं सारा कुछ हम आपको एक्सप्लोर करें, बट अभी हम यहाँ से सीधे राधाकुंड जा रहे हैं अपनी वीडियो शूट करने के लिए। तो ये आपको रास्ता दिखाता हूँ मैं, व्यू है पूरा, एक डेढ़ घंटे से हम ये लगा लो यू सर्च कर रहे हैं मतलब कहाँ कहाँ हमें जाना चाहिए। तो काफ़ी टाइम के बाद फिर हमने डिसाइड किया है कि हम सबसे पहले चलते हैं राधाकुंड, उसके बाद आगे का देखते हैं आज का कहाँ कहाँ तक हम शूट कर सकते हैं। हम आ चुके हैं राधा रानी कुंड के जस्ट सामने, मैं आपको कुंड के दर्शन कराता हूँ, और उस साइड है श्याम कुंड। तो अभी हम आप श्याम, ये देखो मार्केट, तो राधा रानी जी के सबके कुंड के हमारे दर्शन हो गए। अब चलते हैं हम बरसाने, बरसाने के लिए हमें नरेश इधर से जाना पड़ा, नारंद कुंड। ये क्या है नारंद कुंड, कुसुम सरोवर, अच्छा इधर तो ये सारा बस इंड के, तो ये तो उधर ही जा रहा है परिक्रमा मार्ग की तरफ, चलो फिर इधर ही चलते हैं। अब ये कहाँ लिखा है, ये है पार्किंग बाईपास, पूछना पड़ेगा किसी से बरसाना। अरे आगे भी एक तो बोर्ड है, उस बोर्ड पर देख लेंगे। तो आज गर्मी बहुत हो रही है बे, तुम्हारा भाई पीछे नहीं हटेगा, आज जहाँ तक होगा एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि हमें ना हिस्टोरिकल प्लेस के लिए वीडियो शूट करना है, शूट करते हैं। तो कुछ क्लिप हम इसमें भी दिखा देते हैं, बट आपको पूरी हिस्ट्री की पूरा सब कुछ जानना है उसके बारे में, तो आपको हमारे उस चैनल पे जाना पड़ेगा हिस्टोरिकल वाले पे, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है चैनल का लिंक भी। तो आज देखो हमें रास्ते में मिला एक नल, यहाँ से हमने पानी भरा और पानी पिया, काफ़ी ठंडा पानी है और मीठा पानी है। गाड़ी सामने खड़ी कर दी तुम्हारे भाई ने रोड पर, अब कुछ खाना पीना खाएंगे, उसके बाद आगे की यात्रा अपनी शुरू करेंगे, जो आपका आज का जो ट्रेवल है हमारा। वो दिखा रहा हूँ बाजरा के खेत, ये सामने बाजरा की खेती है, और ये साइड में है बिटोड़ा, जिसमें भैंस के गोबर से उपले बना के इसमें रखे जाते हैं, बारिश से बचने के लिए ऊपर छप्पर बनाया गया है, और उसके आगे जो है उसमें भूसा है, भूसा पशुओं के लिए। ये सारी चीज़ें हमें गाँव में ही देखने के लिए मिलती हैं, शहरों में ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलती, तो शहरों के लिए, शहर वालों के लिए जो सिटी में रहते हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो है ये देखो। तो गाइस यहाँ पर हमने खाना पीना खा लिया, जो हम घर से खाना लेकर आए थे वो खा लिया हमने, अब आगे की तरफ निकलते हैं। और हमने देखो उस नल से अपने पानी भरा था जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था आपको वीडियो में। अब देखो ये रोड है बिल्कुल सुनसान है बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है हम राजस्थान में घुस गए, इंटर कर दिया हमने। तो गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं राधा रानी के मंदिर के मार्ग पर, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर है, तो देखते हैं गाड़ी कहाँ तक पहुँचती है, उसके बाद फिर गाड़ी पार्क करके अपने वॉक करते हुए चलेंगे। बाकी बिल्कुल सेफ पहुँचे हैं अभी तक, हमारी जो यात्रा है आज की जो सेफ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, खाना पीना खाते हुए अपने आराम से एंजॉय करते हुए यात्रा कर रहे हैं। और ये रास्ता है देखो, अभी बोर्ड आया था पीछे उसमें 2 किलोमीटर दिखा रहा था, यहाँ से किस साइड जाना है, मैं राइट ही जाना, राइट से गाड़ियाँ आ रही हैं, हाँ यही रास्ता है ये देखो। बाकी अंदर चल के वहाँ पे जा करके आपको एक्सप्लोर करते हैं,
राधा रानी जी का जो मंदिर है वो आपको पूरा दिखाते हैं, और वहाँ जाके अपने शूट भी करना है हमें काफ़ी ज़्यादा। शूटिंग के चक्कर में हमें बाहर निकलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। ट्रैवलिंग का ये अपना रहता है, ये अपना ब्लॉगिंग का चैनल है, और जो हिस्ट्रिकल एक्सप्लोर करने का जो चैनल है वो दूसरा, जिसमें शूटिंग करते हैं, जो वीडियोस में अपलोड करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दिया हुआ है। और कर दिया, आगे गाड़ी ले जाना मना है, तो यहीं पे खड़ी कर दी अपने आराम से। चलो चलते हैं मंदिर की तरफ। दोस्तों ठाकुर जी पता नहीं कैसे चले जाते थे इतने ऊपर, हमारी तो हालत ख़राब होगी। नरेश तो देखो दोस्तों हाँप गया, और हाँप तो मैं भी रहा हूँ, बहुत ऊपर है अभी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, राधे राधे बोलकर चल दो। मोर मुकुट मंदिर, यहाँ पर ठाकुर जी बांसुरी बजाया करते थे और राधा जी को मनाया करते थे, और राधा जो जी थी उस जगह जाके बैठ जाती थी रूठ करके। तो गाइस अभी हम आ गए हैं बरसाना, हमने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर दी अपने चैनल के लिए, काफ़ी कई सारी वीडियो बना दी हमने, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई हैं। और अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर राधा जी, राधा रानी जो थी रूठ कर बैठे जाया करती थी ठाकुर जी से, कृष्ण जी से। फिर कृष्ण जी जो है मोर बनकर नाचते थे, और राधा रानी वहाँ जाकर बैठती थी, तो उस साइड चलते हैं अभी हम। तो गाइस देखो वेदर, बादल काले काले, सामने देखो राधा जी का मंदिर जहाँ पर राधा जी रूठ जाया करती थी, तो कृष्ण जी मोर बनकर नाचते थे। वो सारी चीज़ें हम आपको आमने सामने मंदिर दिखाऊंगा बिल्कुल, जहाँ से कन्हैया जी जो थे मोर बनकर नाचते थे, और कहाँ पर राधा रानी जो है रूठ कर बैठ जाती थी। अभी सांस फूल गई है, देखो कहाँ से आ रहे हैं जंगलों में होकर। अंदर जो है भजन कीर्तन चल रहे हैं अभी। यहाँ पे तो कुछ ज्यादा ही बंदर है। अरे संभल कर, बहुत ज्यादा है। तो आज बहुत बंदर है, देखो बंदरों के बच्चे, ये देखो फैमिली। रिस्क लेना पड़ रहा है वीडियो बनाने के लिए, ये लगा लो कहीं छीन कर ले गए फोन को तो दिक्कत हो जाएगी। आगे तो बहुत ज्यादा है, ये देखो। और तुम्हारा भाई तो रिस्क लेता ही है। अब गाइस यहाँ से चलते हैं राधा कुंड की तरफ, तो यहाँ से टिर्री पकड़ते हैं क्योंकि गाड़ी हमारी पार्किंग में है यहाँ से। अभी हम खड़े हैं, देखो जस्ट मंदिर के जो सामने है जस्ट पार्किंग है, पता नहीं ये गाड़ियाँ जो हो सकता है स्पेशल परमिशन वगैरह लेकर आई हूँ। तो अभी हम मंदिर के अंदर चलते हैं, ये मैं मंदिर के आंगन में खड़ा हुआ हूँ। तो ये हूँ मैं राधा, अब हम मेन मंदिर में एंटर कर रहे हैं। अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ डायरेक्ट ठाकुर जी के और राधा जी के। देखो सामने ये फ़ोटो लगा हुआ है उनका, हरे राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे, राधे राधे जय श्री राधे। भाई अब यहाँ से निकल चुके हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ी वाला रास्ता जो, हाँ ऊपर खड़े हुए थे, कोई फ़ोन हो गया बिल्कुल डिस्चार्ज, 5% बचा हुआ है, तो सोच रहा है स्विच ऑफ ही हो जाए। देखो कितनी ऊंची पहाड़ी पर है। अब यहाँ से वापस चलते हैं पार्किंग की तरफ जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। अभी देखो चढ़ने में हमारी इतनी हालत ख़राब हो रही थी, बट उतरने में हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें कृष्ण जी जो ठाकुर जी हैं धक्का दे रहे हैं। आप देख सकते हो कितना क्राउड है यहाँ पर मंदिर में। तो दोस्तों अभी हम आए हुए हैं राधा रानी का जो मंदिर है बरसाना, उसके हम अंदर आ चुके हैं, तो हम आपको लाइव दर्शन कराते हैं राधा रानी जी के। देखो श्री लाड, मंदिर का जो फ्रंट है वो देखो ये है। तो गाइस सीएनजी पंप पे गाड़ी लगा दी है बरसाना में, हमें ठाकुर जी की कृपा से सीएनजी पंप मिल गया, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए सीएनजी पंप देख करके। तो अब यहाँ सीएनजी वगैरह फ्यूल करा के फिर कहीं सोने की व्यवस्था बनाते हैं। उसके बाद कल हम बनाएंगे नंदगांव गांव की वीडियो शूट करनी है हमें, और वहाँ भी आपको हो सकेगा जितना हो सकता है कल के ब्लॉग में आपको वहाँ पर घुमाएंगे,
तो आई होप यू कि आपको हमारा जो आज का ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं हो गया हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ पहाड़ों पर चढ़ना, फिर उतरना, फिर कई जगह जाना। एक जगह तो हम नीचे जाकर हमें पता चला हम गलत मंदिर की वीडियो बना के लाके, हमें रियल तो वो है जहाँ पे हम आए हुए हैं, फिर दोबारा चढ़ गए। ये लगा लो गाइस बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो कोई नहीं, राधे राधे जी की कृपा से, ठाकुर जी की कृपा से सारा कुछ बढ़िया तरीके से हुआ आज का जो है। तो ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट कर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, तो राधे राधे सभी को।